हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो फिंगर्स होती हैं, जो ये फिंगर्स हैं, ये क्यों जाम हो जाती हैं किसी भी चोट लगने के कारण, या किसी भी फ्रैक्चर होने के कारण, या किसी भी प्लास्टर होने के कारण। कि हमारा अगर प्लास्टर लगा है, अगर हमारा कोई चोट गुम चोट है, छोटा चोट है, और या फिर कोई सीवियर चोट है जिसमें प्लास्टर लगना जरूरी है, या फिर आपने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और आपको प्लास्टर लग गया और उसके बाद उंगलियां जाम हो गई, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपको कोई भी प्लास्टर लगता है, तो प्लास्टर यूजुअली कोई भी हाथ का फ्रैक्चर होता है, या यहाँ का, या यहाँ का, या यहाँ का, यहाँ का। तो जब यहाँ का फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर यहाँ से यहाँ तक लगता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर लगता है तो पेशेंट उसको हमेशा एक पोजिशन में रखता है कि ये हड्डी ना हिले और कुछ काम नहीं करता इस हाथों से, उंगलियों से। तो उसके कारण क्या होता है, जो उंगलियों का पूरा मूवमेंट या पूरा ग्रिप होता है वो नहीं हो पाता। उसके कारण क्या होता है कि जो चीज़ नॉर्मल रूटीन में होती है वो जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, और उसके कारण जो नसें होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। और फिर जब ये प्लास्टर निकल जाता है और उनको बताया जाता है कि अब आपको पूरा सारा काम करना है, तो इमीडिएटली जैसे वो किसी चीज को पकड़ते हैं तो वो पकड़ी नहीं जाती, या फिर सडनली करंट आकर वो रुक कर और चीज छूट जाती है, या फिर पकड़ में स्ट्रांग ग्रिप नहीं होती। तो ये चीज के लिए आंसर क्या होता है कि अगर आपका पार्ट ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ के लिए प्लास्टर लगा हुआ है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको इन चीजों को फुल अच्छे से मोड़ना है जिससे ये कहीं से भी जाम ना हो। अब आता है पॉइंट कि सर फ्रैक्चर यहीं का ही हुआ था, तो यहाँ पे पूरा प्लास्टर लगा दिया गया था कि उसके कारण हम हाथ की फिंगर्स को नहीं मूव कर पाए, उसके कारण अब प्लास्टर निकल गया और हमारी उंगलियों में कोई मूवमेंट नहीं है, या फिर उंगलियां जुड़ गई हैं लेकिन हमारी उंगलियों में पूरी पावर नहीं है। तो वो इसलिए होता है कि जब यहाँ पे प्लास्टर लग जाता है तो प्लास्टर से हम सिर्फ इसलिए लगते हैं प्लास्टर की जो हड्डी है वो अपनी जगह रहे और जो हड्डी है वो हील हो जाए। लेकिन सिर्फ जो एक्सरे में हड्डी दिख रही होती है, सिर्फ वही चीज़ नहीं होती, हड्डी के भी जो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जो आती है वो जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो जॉइंट्स भी इतने टाइम से नहीं हिले तो वो अकड़ जाते हैं, जो उनके आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अकड़ जाते हैं। लेकिन वो पार्ट तो एक सिंपल पार्ट होता है जो कि हमें एक्सरे से दिख जाता है कि जॉइंट अकड़ गए हैं, लेकिन जॉइंट में स्पेस अच्छी है। जब जॉइंट अकड़ गए हैं लेकिन एक्सरे नॉर्मल दिख रहा है तो उसमें मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं होता है कि जितनी भी नसें होती हैं जो कि जॉइंट के ऊपर वर्क कर उसका मूवमेंट कराती हैं, वो ज्यादातर बोन के ऊपर से क्रॉस कर रही होती हैं, और जब हड्डी जुड़ जाती है तो उसी के अंदर ही वो चीज जाम हो जाती है, या वो नस जो कि जॉइंट को मूव कराती है वो नस उसमें क्या होती है, पकड़ में आ जाती है, और वो एक टाइप से क्या हो जाता है कि उंगलियां दूसरे हाथ से भी जब मोड़ते हैं तो नहीं मुड़ती। तो दो टाइप के उंगलियों में मूवमेंट होते हैं, जैसे ये जॉइंट है कि एक तो इसको मैं खुद मोड़ रहा हूं और एक मैं दूसरे हाथ से मोड़ रहा हूं, ठीक है। तो जब हम दूसरे हाथ से मोड़ते हैं अगर जॉइंट तब भी नहीं मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जितनी भी नसें हैं वो टाइट हो गई हैं और चिपक गई हैं, और हड्डी जहां पे जुड़ी थी वहां पे जरूर से ज्यादा हड्डी बनकर उन नसों को उन्होंने कैच कर लिया है और उनको हिलने नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम दूसरे हाथ से ऐसे कर रहे हैं जॉइंट मुड़ पा रहा है, लेकिन जब हम खुद ऐसे करें नहीं मुड़ पा रहा है, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि या तो जो नसें हैं वो टूट गई हैं, या नसों में भी पार्शियल इंजरी थी जो कि एक्सरे में नहीं दिखती है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। कुछ बार क्या होता है कि हम उंगली मोड़ तो रहे हैं लेकिन सर पूरी नहीं आ रही है, मोड़ रहे हैं लेकिन पूरा ऐसा रेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो जब पूरा रेंज नहीं आता है इसका मतलब ये है कि वो जो चिपक गई है नसें वो पूरी नहीं चिपकी, पार्शियल चिपकी है, तो थोड़ी बहुत तो हिल जाती है और थोड़ी बहुत नहीं हिल पाती। तो इन सब के लिए हम क्या कहते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करनी होती है। तो जब हम पेशेंट को बोलते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास काफी वीडियो आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर हम कर रहे हैं, हम बॉल को पकड़कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, हमारा हाथ पे मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, हमें 1.5 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है। तो ऐसी चीज के लिए हमने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसको हमने बोल रखा है एक्सरसाइज हेल्प प्रोग्राम। तो इसमें हम पेशेंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है देखकर उनको हम 10 से 15 दिन का एक प्रोग्राम देते हैं, उनका जो भी वीडियो सेशन है वो उनसे बात कर उनको बताया जाता है 5-10 मिनट में कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, और फिर हम चेक करते हैं कि जैसे हमने कहा है वैसे वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उससे कई लोग ठीक हुए हैं, तो हमने ये सोचकर ये वीडियो बनाया है कि जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम ऑनलाइन प्रोग्राम, उसकी बहुत ही मिनिमल कंसल्टेशन फीस है ऑनलाइन, वो आप डिपॉजिट करें और एनरोल हों, और उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे कैसे करना है। अगर उससे ठीक हो जाते हैं आप तो आपका वहीं घर बैठे बैठे इलाज हो जाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर हम आपको जयपुर बुलाते हैं और फिर उनको देखकर फिर हम बताते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।